आप देख रहे हैं रहमानी मीडिया। सब में मिलकर चुनाव लड़ाया था, हमने पार्टी से लड़ाया था, नहीं नहीं पूरे मेरा देश से बहुत लड़ाया। मुझे शिकायत नहीं है, देखो लेकिन मैंने आपसे कहा 70 वार्ड थे, मेरा कहने का मतलब 70 वार्ड थे, अगर 70 वार्डों में हमारे प्रत्याशी खड़े होते तो हम कांग्रेस के लौट रहे। हमारे शर्मा जी माननीय जिला अध्यक्ष असलम खुशी साहब, हाशमी साहब, असद मुलायम साहब, महिला की जिला अध्यक्ष रिया तबीर साहब, हमारे बाजी वाला जी, और ये तो बड़े बड़े नेता हो गए, आप हमारे अल्लाह ताला और आप हमारे भगवान है, हमारे कार्यकर्ता, आपके बिना सब लोग अधूरे हैं। जहां कार्यकर्ता नहीं वहां भगवान नहीं। दोस्तों चुनाव सिर पर है, हमारे नदीम अंसारी साहब भी हमारे मौजूद हैं, पत्रकार बंधुओं बहनों भाई, जिस प्रकार से प्रभारी जी यहां पर मेहनत कर रहे हैं, वार्डों में जाकर सब विवरण ले रहे हैं, कौन चुनाव लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता, हम लोगों को खासकर जो जो प्रत्याशी हैं हम लोगों को पूरा उनका सहयोग करना चाहिए, और हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। जैसे सुमरादाबाद का नाम इस बात में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अतिथि भवन ईमानदारी में मुरादाबाद का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन है कि जो आए हुए अतिथि का वो बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, और मेरी आपसे आग्रह कर दीजिए आप ऐसे प्रत्याशी का नाम भेजें जो जनता के बीच का हो। ऐसी बात से सहमति करता हूँ कि हम थोपा हुआ नेता ना हो, हमारे बीच का हो, कार्यकर्ता हो, जिसने दरिया बिछाई हो, जिसने पार्टी के नारे लगाए हो, जिसने अपने ऊपर मुकदमे खेले हो, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए और टिकट एक को मिला, टिकट एक को मिला है। मैं हर जगह यही बात कहता हूँ, हो सकता है हमारे बीच में मन भेद हो, मत वही हो, जब टिकट अनाउंस हो जाए, जो हिंदू है वो भगवान को माने, जो मुस्लिम भाई है वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानकर इस बात का संकल्प ले जिसको टिकट मिले तन मन सब से उसको चुनाव लड़ाएंगे। हम उसका विरोध नहीं करेंगे, दिल्ली में जाके खराब नहीं करेंगे, लखनऊ में जाके खराब नहीं करेंगे, जो टिकट आप देंगे उसको हम फिर से लड़ाएंगे। हम आपस में इसके साथ ही अपनी बात को खत्म करता हूँ, यही बात के साथ कि आप सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत कम करें। हम लोग हम अच्छे हैं, गलियों में जाए, वार्डों में जाए, जिस प्रकार से प्रभारी जी गली मोहल्लों में जाकर कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा रोपण कर रहे हैं, जिस कार्यकर्ता ने अपने घर पर स्वेच्छा से पार्टी का झंडा लगा लिया वो मान के चलिए वो आपके 24 कैरेट का आपका वोटर है, 24 कैरेट का वोटर है। ऐसा तस्वीर के अंदर शहर को देहात को रंग दो कि जो भी पार्टी जाए वोट मांगने के लिए जब उसके दरवाजे पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा होगा वो आपके दरवाजे पर। इसके बाद के दिन बात को खत्म करता हूँ, अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः एक बार जोर से बुलंदियों के साथ नारा लगाते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।